बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तरल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए फ्लूइड। इससे पहले हमने क्या देखा था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में देखा था, अनुप्रस्थ तरंग की चाल देखी थी किसमें, एक तनी हुई डोरी में। आज हम करने वाले हैं अनुदैर्ध्य तरंग की चाल फ्लूइड में। फ्लूइड मीन्स टू गैस या फिर लिक्विड। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वही क्या कर सकती है, वही केवल गैस या फिर लिक्विड में क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। तो आज हमको निकालना है अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल फ्लूइड में। सपोज हम क्या ले रहे हैं, लेट हम क्या ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव। ध्यान रखोगे, हमारे पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव कौन सा वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो वेव्स क्या कर रही हैं, प्रोपोगेट हो रही हैं। किसमें प्रोपोगेट हो रही है, एक हम क्या ले रहे हैं, एक हम सिलेंड्रिकल कॉलम ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल गैस स्तंभ ले रहे हैं, जो कि एक जो प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग क्या कर रही है, उसमें गमन कर रही है। जब कोई लॉन्गिट्यूडनल प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव किसमें जाती है, गैस स्तंभ में जाती है या गैसी कॉलम में जाती है, तो क्या करती है, जो उसके पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं अपनी मीन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन करते हैं, सरल आवर्ती में क्या करते हैं, दोलन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं या कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति से। जब इस प्रकार से पार्टिकल्स का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तो कहीं पर पार्टिकल जो होते हैं वो अधिक हो जाते हैं, अधिक कलेक्ट हो जाते हैं, और कहीं पर पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, जहां पर पार्टिकल अधिक कलेक्ट हो रहे हैं वहां पर आपका क्या बन रहा है, कंप्रेशन बढ़ रहा है, बन रहा है, संपीड़न हो जाता है, पार्टिकलों का क्या हो जाता है, संपीड़न हो जाता है। और जहां पर पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वहां पर क्या होता है, विरलन होता है। इस प्रकार से अल्टरनेटिवली एक निश्चित समय के बाद क्या बनते जाता है, हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते जाते हैं। संपीड़न और विलयन क्या क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जहां पर पार्टिकल बहुत अधिक संख्या में है, मतलब जहां पर उनका कलेक्ट वो अधिक संख्या में कलेक्ट होते हैं, वहां पर उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जहां पर पार्टिकल स्प्रेड हो जा रहे हैं, पार्टिकल्स की संख्या, कणों की संख्या कम हो जा रही है, वहां पर रेयर फ्रैक्शन बनेगा, विलयन बनेगा, और वहां पर जो दाब है वो कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जहां पार्टिकल अधिक होंगे, पार्टिकल की संख्या अधिक होगी, वहां पर प्रेशर अधिक होगा, और जहां पर पार्टिकल्स कम होंगे वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं जो एक प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक प्रगामी जो अनुदैर्ध्य तरंग है, वो क्या कर रही है, एक गैसियस कॉलम में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, प्रोपोगेट हो रही है, गमन कर रही है। ठीक है, हम एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक, इस सिलेंडर का कोई भी ये इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, इसका ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं या मूल बिंदु मान लेते हैं। इस मूल बिंदु से हमारा कौन सा है, ये गैसियस कॉलम में हमारा फ्लूइड जो तरल है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तरल में अब गैस भी हो सकती है या फिर लिक्विड भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम एक गैसी कॉलम, अब इसको हमने क्या लिया, एक गैसियस कॉलम लिया है, सिलेंड्रिकल कॉलम लिया है। इस कॉलम, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, कैपिटल ए है, मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का जो परिक्षेत्रफल जो है वो ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ए है। ठीक है, यहां पर हमने कोई एक प्लेन ले लिया, एक तल ले लिया है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। इस जो सरफेस है, ये या जो प्लेन है उसकी मीन पोजीशन से दूरी है एक्स। ठीक है, ये दूरी है एक्स, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रोपोगेट हो रही है। और एक दूसरा प्लेन लेते हैं सी डी, ठीक है, जिसकी इस यहां से मीन पोजीशन से दूरी कितनी हो गई, एक्स प्लस डी एक्स हो गई है।
देखिए ये क्या कर रही है, पार्टिकल जो होते हैं प्रोपोगेट होते हैं, तो एक समय के पश्चात ये यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ए बी तल के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम कहाँ मान रहे हैं, मतलब ये जो तल है वो शिफ्ट होके कहाँ पर हो गया है, ए डेस बी डेस। ध्यान रखेंगे इस ए से मतलब यहां से इस ए डेस की दूरी है वाई, स्टार्टिंग पोजीशन से नहीं है, मूल बिंदु से नहीं है, बल्कि कहां से है, ए से एडेस तल की दूरी है वाई, और सी डी शिफ्ट होके कहां पर मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है सी सी डेस डी डेस पर, और सी से इसकी दूरी है वाई प्लस डी वाई। ठीक है, सी से सी डेस की दूरी है वाई प्लस डी वाई, और ए से एडेस की दूरी है वाई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सबसे पहली बात है, क्योंकि हमको इसमें क्या निकालना है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, हमको इसमें वेलोसिटी का मान निकालना है या स्पीड का मान निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक वेव फंक्शन के लिए इक्वेशन निकाला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट हमको एक इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो उस इक्वेशन को लाने के लिए ये जो हम जितना भी प्रोसेस करेंगे उस इक्वेशन को लाने के लिए है, तो ध्यान रखेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब हमने पहले ही कहा था जहां पर पार्टिकल अधिक होते हैं वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक होगा, जहां पर पार्टिकल कम होते हैं वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले देखो चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, इसकी प्रारंभिक आयतन लेना पड़ेगा। तो यहां से हमको क्या मिलेगी, आयतन में विकृति मिलेगी, वॉल्यूम स्ट्रेन मिलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन से हम क्या निकालेंगे, बल्क मॉडुलस निकालेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे। तो जो भी प्रोसेस अब हम करने वाले हैं किसके लिए है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए है। ठीक है, बल्क मॉडुलस के लिए। तो जब हमको आयतन में विकृति निकालनी है, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है, आपको मालूम है आयतन विकृति बराबर क्या होगा, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो हमको सबसे पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस हम करने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए करने वाले हैं, आयतन विकृति के लिए करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है, अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखो, अब हम क्या निकालने वाले, देखो देखो आयतन में विकृति निकालने वाले हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने वाले। तो सबसे पहले हमको इसका इनिशियल वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, किसका, ये हम ये सरफेस ले रहे हैं यहां से, ये इसका एसी का, ये जो हमने एक अल्पांश लिया हुआ है, एक एरिया छोटा एरिया लिया हुआ, इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एसी का क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा, इनिशियल इनिशियल लेंथ ऑफ एसी, एसी की प्रारंभिक लंबाई। तो एसी की प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी, देखो एक्स प्लस डीएक्स माइनस एक्स, कहां से निकाल रहे हैं, ये इसका हमने एक ओरिजिन पॉइंट लिया, मूल बिंदु लिया। तो इनिशियल वैल्यू कितनी, इनिशियल लेंथ एसी की कितनी हो गई, डीएक्स हो गई। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई डीएक्स, इसका एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन कितना, ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एसी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डीएक्स। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमारे पास लेंथ निकल गया, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका चेंज कितना हुआ है, एडेस सीडेस। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ये इनिशियल लेंथ ऑफ एसी था, अब हम क्या निकालेंगे, फाइनल फाइनल लेंथ या लास्ट लेंथ या फाइनल लेंथ ऑफ एडेस सीडेस, फाइनल फाइनल लेंथ ऑफ एडेस सीडेस कैसे निकलेगा, ध्यान दो इधर, अब ये पूरा यहां से यहां जाएगा, तो एक्स प्लस डीएक्स प्लस वाई प्लस डी वाई, देखो ध्यान से, एक्स प्लस डीएक्स वाई प्लस डी वाई
माइनस एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है, डी एक्स प्लस डी वाई, ये हमारे पास कितना मिलेगा, डी एक्स प्लस डी वाई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास ए डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है, एरिया आप ऐसे हो जाएगा, मतलब देखो अब हमारे पास इसका प्रारंभिक आयतन निकल गया और इसका अंतिम आयतन निकल गया, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, ये जो अंतिम आयतन है उसमें हम प्रारंभिक आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जब इसको घटाएंगे तो देखो ध्यान से, ये जो हम जितना प्रोसेस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, अंतिम आयतन के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रारंभिक आयतन निकल गया, मैं इसको मिटा देती हूँ, ये जो हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास अंतिम आयतन मिल गया, तो ये हो जाएगा देखो ए डी एक्स प्लस डी वाई माइनस ए डी एक्स, तो हमारे पास अंतिम आयतन कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, ए डी वाई, ठीक है, सॉरी अंतिम आयतन नहीं, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, आयतन में परिवर्तन, हमारे पास अंतिम आयतन था ये ए डी एक्स डी वाई और प्रारंभिक आयतन था ए डी एक्स, तो आयतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ आपके पास ए डी वाई, क्लियर हो रहा है, अब हमारे पास मिल गया इनिशियल वॉल्यूम ए डी एक्स, चेंज इन वॉल्यूम मिल गया हमारे पास ए डी वाई, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, आयतन विकृति, आयतन विकृति बराबर क्या लिखते हैं हम, फार्मूला देखो ध्यान से, आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल्स टू हम लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल्स टू हमारे पास होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, क्लियर हो रहा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हुआ ए डी वाई, आयतन में परिवर्तन हुआ ए डी वाई और प्रारंभिक आयतन कितना था ए डी एक्स, ठीक, तो हमारे पास आयतन विकृति कितनी मिल गई, आयतन विकृति मिल गई देखो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, याद है, क्लियर हुआ, हमारे पास आयतन में विकृति मिल गई डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, अब इसको मैं मिटा रही हूं, ये जब हम पूरा प्रोसेस अब इसी के लिए करेंगे, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इससे फ्लूइड में निकालेंगे, उसके बाद इसका गैसेस में निकालेंगे, फिर इसका लिक्विड में अलग निकालेंगे, है ना, आप देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया चेंज इन, हमारे पास क्या मिल गया, वॉल्यूम स्ट्रेन मिल गया, अब हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन मिल गया, यदि हम इसका क्या ले रहे हैं, बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यदि हम इसका बल्क मॉडुलस ले रहे हैं ई, आयतन प्रत्यास्था गुणांक ले रहे हैं ई, ठीक है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन, क्योंकि आपको मालूम है किसी का भी जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रत्यास्था गुणांक मतलब प्रतिबल बटा विकृति, अब हमको यहाँ पर लेना है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, बल्क मॉडुलस E इक्वल्स टू होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, ये आप नोट कर लेंगे, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन, अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रेशर की, अगर चेंज इन प्रेशर हम निकाल रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं यदि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब ध्यान से समझना इसको, ये अगर ये एरिया है, अगर मैं ये एरिया ले रही हूँ, अगर मैं क्या कर रही हूँ वॉल्यूम को बढ़ा रही, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब ये ऐसा बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, दोनों क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए ध्यान समझना, इसलिए यदि मैं क्या ले रही हूँ डिक्रीज इन प्रेशर ले रही हूँ, प्रेशर में क्या आ रही है हमारे पास कमी आ रही है, अगर इसको नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस मतलब क्या होता है प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब प्रतिबल मतलब एक दबाव ही है, दाब ही है,
दाब बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको क्या ले रही हूँ, डिक्रीज इन प्रेशर ले रही हूँ, कि हमारे प्रेशर में क्या आ रही है, कमी आ रही है, डिक्रीज इन प्रेशर मतलब प्रतिबल में कमी बटा वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखो ध्यान से, डिक्रीज इन प्रेशर को मान लो मैं माइनस पी, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि आपका क्या होगा, प्रेशर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे माइनस इन। वॉल्यूम स्ट्रेन हमने निकाला है क्या, डीवाई अपॉन डीएक्स। अब ध्यान से देखो, हमारे पास प्रेशर की क्या वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई हमारे पास पी इक्वल्स टू माइनस ई डीवाई अपॉन डीएक्स। ये इक्वेशन नंबर डाल लेंगे इसको, क्योंकि ये इक्वेशन आगे हमको काम आने वाला है, ठीक है। P इक्वल्स टू स्मॉल p है, P इक्वल्स टू माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, P इक्वल्स टू माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद हम नोट करते हैं क्या, ये हमारा हो गया। इसके बाद देखो, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के जो अगर उसकी वेलोसिटी है v, जो हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव लिया हुआ है, यदि उसकी वेलोसिटी है v, तो उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होता है, इसके पहले वाले बहुत पहले हमने देखा, स्टार्टिंग में देखा था, उसके लिए इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन हमको, ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है जो हमने पहले ही किया हुआ है, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x, ये होता है वेव इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां से किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे, तो माइनस माइनस 2 पाई a लैम्डा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 2 पाई लैम्डा vt माइनस x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, dy dx की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से देखना, जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, देखो हमारे पास वैल्यू मिलेगी इसकी p इक्वल्स टू, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, स्मॉल p इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा 2 पाई a e अपॉन लैम्डा cos 2 पाई लैम्डा लैम्डा vt माइनस x, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू p जीरो cos 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x, जहां पर p जीरो बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, P0 इक्वल्स टू है आपके पास 2 पाई a e अपॉन लैम्डा, इसको हम कहते हैं प्रेशर प्रेशर एम्पलीट्यूड, दाब का आयाम कहते हैं, दाब की वजह से जो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा आता है, तो ये वाला पोर्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, दाब आयाम कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया दाब आयाम निकल गया। अब इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, यदि हम इसका क्या कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप यहां निकाल लीजिए क्या, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt निकालिए, dy अपॉन dt निकालेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से यहां पर देखो 2 पाई a v अपॉन लैम्डा cos 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x, ये हो गया। देखो ध्यान से, dy अपॉन dt इक्वल्स टू 2 पाई a v cos 2 पाई लैम्डा vt माइनस x, ये हो गया हमारे पास, ठीक, dy अपॉन dt की वैल्यू होगी, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये इक्वेशन ऐसे ही रहने दीजिए। अब इस इक्वेशन में देखो ये वाली वैल्यू देखो, 2 पाई a अपॉन लैम्डा cos 2 पाई लैम्डा vt माइनस x,
तो इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, ध्यान से देखना। जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन वन को रहने देना क्योंकि अभी यही काम आने वाला है, ये देखो ध्यान से, इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आएगा, P इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन तीन में किसकी वैल्यू को, डीवाई, इसकी वैल्यू को यहाँ रखने पर, जब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, देखो ऐसे लिख लो सबसे अच्छा है, क्या 2 पाई ए लैम्डा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा बी टी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ध्यान से, dy अपॉन डी टी अपॉन बी। अब समझ में आ रहा है कि इक्वेशन नंबर थ्री में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे, अब ये काम आएगा इक्वेशन नंबर वन, जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी की के को क्या वैल्यू आती है, पी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास ई डी वाई अपॉन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, ये वाली वैल्यू ऐसे रहने दीजिए। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन क्या था, इक्वेशन नंबर वन को मैं यहां लिख देती हूँ, पी इक्वल्स टू माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन था। ठीक है, पी इक्वल्स टू माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये वाला इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दीजिए। ध्यान दो, यहां हम कह रहे हैं कि यदि इसके प्रेशर में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर निकालेंगे। चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए जब हम चेंज इन प्रेशर देखते हैं तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर निकालना पड़ेगा। यदि हमारे पास चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है, अगर प्रारंभिक इसका प्रेशर है पी, अंतिम प्रेशर होता है पी प्लस डी पी, तो चेंज इन प्रेशर आएगा हमारे पास पी प्लस डी पी माइनस पी, तो चेंज इन प्रेशर आएगा हमारे पास डी पी। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, पी आ गया, तो अब हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। लिख लीजिए, फोर्स ऑन एलिमेंट ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर में इतनी की कमी आ रही है तो हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स ऑन एलिमेंट ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ऑन एलिमेंट ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो आपको मालूम है, इसके पहले भी मैंने कहा था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, या फिर एरिया क्रॉस सेक्शन। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या आ गया है, यहां ध्यान रखो, है ना, 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई ए, अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कितना लिया, स्मॉल ए लिया, ये मान के चलेंगे, यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो मान के चलिए, जो हमने कैपिटल ए लिया वही है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्मॉल ए कहाँ से आया, जैसे हमने उसमें कैपिटल ए माना था, तो इस इक्वेशन में आपका स्मॉल ए है तो आप उसको स्मॉल ए ले सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दो कि फोर्स निकालना है हमको, फोर्स अप्लाइड फोर्स, एलिमेंट पर जो फोर्स है प्रेशर की वजह से। ठीक, इसको लिखोगे, दो प्रकार के फोर्स काम करेंगे, एक आपका इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से का जो फोर्स हो रहा है वो, और दूसरा फोर्स होगा आपका न्यूटोनियन फोर्स, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे, इसी यही इन्हीं दोनों फोर्सों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, फोर्स ऑन द एलिमेंट ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, पार्टिकल पर जो दबाव में जो अंतर है, दबाव में अंतर की वजह से लगने वाला बल, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए लेके चलेंगे, बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डीपी इंटू ए, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब देखो ध्यान से, dp into a आया, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्या देखो ध्यान से, a dp upon dx into dx, कुछ भी नहीं किया मैंने, dx upon dx से इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, dp upon dx। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन से
पी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर वन में पी इक्वल टू हमको क्या मिला है, पी इक्वल टू हमको मिला है माइनस सी डीवाई अपॉन डी डी एक्स। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या वैल्यू मिल रही है, ध्यान से समझेंगे इसको। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, देखो ध्यान से, इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर वन से कर रहा है, यहां से नहीं कर रहा है, इक्वेशन नंबर फोर से नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखोगे। इक्वेशन नंबर वन से पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ए डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो माइनस ई ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स ये डी एक्स, ये क्या है आपका फोर्स है, फोर्स है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, दाब में अंतर की वजह से बल है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, न्यूटोनियन फोर्स निकालेंगे। अब ध्यान रखो, अब इस फोर्स को इक्वल करने के लिए हम क्या निकालेंगे, न्यूटोनियन फोर्स निकालेंगे, न्यूटन की वजह से लगने वाला बल। तो न्यूटोनियन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, ये जो हमने एरिया क्रॉस, ये जो प्लेन लिया है एसी, एसी जो प्लेन लिया है उसका हमको क्या मालूम होना चाहिए, मास याद होना चाहिए। तो लिखिए, यदि इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो हमने जो फ्लूइड लिया हुआ है उसकी डेंसिटी है रो, डेंसिटी है रो, आपको मालूम है वॉल्यूम इक्वल्स टू आयतन बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। सो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एसी का वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, ध्यान रखो एसी का वॉल्यूम निकाला था हमने ए डी एक्स, ठीक है। इसलिए मैं वहां पर करेक्शन कर लेंगे, कैपिटल ए की जगह बेटा स्मॉल ए लिख लेना, ए डी एक्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए डी एक्स रो, ठीक है। इसका क्या, ए सी का मास, मास इक्वल हो जाएगा ए डी एक्स रो इस एलिमेंट का, और इसका हमको क्या निकालना, एक्सिलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होगा, विस्थापन समीकरण हमने वाई लिया हुआ है, तो अगर हम इसका एक्सिलरेशन निकालते हैं, एक्सिलरेशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो न्यूटोनियन फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन की वजह से लगने वाला बल, न्यूटोनियन फोर्स। आपको मालूम है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू एक्सिलरेशन। इसका जो मास है, मास ऑफ एसी हमको मिला है ए डी एक्स रो, और एक्सिलरेशन मिल रहा है, ये एक्सिलरेशन लिख देती हूँ, ये में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, एक्सिलरेशन लिख देती हूँ, एक्सिलरेशन इक्वल टू हमको मिला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब यहां पर इसको मैं माइनस में ले रही हूँ, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यों माइनस में ले रही हूँ, क्योंकि आपका जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के अपोजिट हो रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगा, देखो न्यूटोनियन फोर्स में बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए डी एक्स रो, माइनस रख देते हैं, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। एक हमारे पास फोर्स मिला है किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, दाब में परिवर्तन की वजह से फोर्स मिला है माइनस ई ए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स मिला हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास न्यूटोनियन फोर्स मिल रहा है माइनस ए डी एक्स रो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे संतुलन की कंडीशन में, तो ये दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, माइनस ई ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं यही पर लिख देती हूँ, इसके बराबर माइनस में लिख देती हूँ, माइनस ई ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है।
या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ई अपॉन रो है ना, ये रो है, डेंसिटी है, ई अपॉन रो, ठीक है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये इक्वेशन मिल गया हमको, हमारे पास वेव इक्वेशन क्या है, देखो ध्यान से, वेव इक्वेशन है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इस वेव इक्वेशन से तुलना करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, वी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ रहा है, वी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ रहा है ई अपॉन रो, वी स्क्वायर बराबर आ रहा है हमारे पास ई अपॉन रो, सो वी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। तो हमारे पास क्या मिल गई, ये फ्लूइड में मिला बेटा, याद रखना, किसी भी फ्लूइड में, तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग की क्या मिल गई हमारे पास, चार मिल गया, ये मिल गया हमारे पास अंडर रूट ई अपॉन रो। बेटा एक मिनट कंप्लीट कर ले तो मुझे, बस एक मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये किस पर डिपेंड कर रही है, बल्क मॉडुलस पर डिपेंड कर रही है, आयतन आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और किस पर निर्भर कर रही है, डेंसिटी पर निर्भर कर रही है, ध्यान रखोगे। ये जो v है, v इक्वल टू ई अपॉन रो, ये हमारी डिपेंड कर रही है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और किस पर, डेंसिटी पर, घनत्व पर, किसके समानुपाती हो रही है, अंडर रूट, रूट के, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के किसके, वर्गमूल के समानुपाती हो रही है, और घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है, ठीक है। ध्यान रखोगे इसको न्यूटन ने दिया था, इसलिए इनको न्यूटोनियन इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल किसमें, फ्लूइड में, तरल में, किसी तरल में अनुदैर्ध्य तरंग की ये चाल हो गई। अब देखो स्पीड हो गई, इसमें कुछ करेक्शन हुआ बाद में, ये हो गया आपका, अगर आपके पास आता है किसी तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल निकालिए तो आप यहां तक लिखेंगे और किसके प्रोपोर्शनल होती है उसको बता देंगे, तो ये आपका पोर्शन खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें लाप्लास ने क्या क्या चेंजेस किए, गैस के लिए अलग हो गया और लिक्विड के लिए अलग हो गया, फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, ये हमने जो देखा वो फ्लूइड के लिए था, फ्लूइड के लिए है ये जो ये इक्वेशन है पूरे फ्लूइड के लिए है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे गैस में क्या आता है और लिक्विड में क्या आता है और लाप्लास ने क्या क्या चेंजेस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, बेटा इसको एक बार देखिए, क्योंकि कल नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो हम इसको कर नहीं पाए थे, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इस पर।